Assalamualaikum. Good morning, children. आपका फिर एक बार हमारी हिंदी क्लास में स्वागत है। हमने पिछले हिंदी क्लास में छोटी हुक की मात्रा और बड़ी हुक की मात्रा पढ़ी थी। आज हम एक कविता पढ़ेंगे और उसमें से हम छोटी हुक की मात्रा पहचानेंगे और अंडरलाइन करेंगे। क्या आप तैयार हैं? आपको याद है छोटी हुक की मात्रा कैसे दिखती है? तो चलिए आइए हम साथ मिलकर देखते हैं छोटी हुक की मात्रा कहाँ कहाँ पर है, हम उसे अंडरलाइन करें। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे और हम साथ में हमारे टेक्स्ट बुक में उसे अंडरलाइन करें। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके हिंदी की टेक्स्ट बुक में छोटी हुक की मात्रा का छोटी हुक की मात्रा की कविता है, हम आप उसमें से अंडरलाइन करें। ठीक है, तो चलिए आइए। पहले है सुबह हुई एक सुनहरी किरण आई, मुनमुन बुढ़िया बाहर लाई, घास पर चटाई बिछाई, तभी सुहानी हवा चली, बुढ़िया की गुलाबी चूड़ी उड़ गई, मुनमुन भागी पर चूड़ी पकड़ न पाई, चुनरी दाल पर अटक गई, दाल पर बुलबुल थी, बुलबुल चुनरी उड़ाकर ओढ़कर शर्माई। ये थी हमारी कविता। अब हम इसमें से उनकी मात्रा पहचानेंगे और अंडरलाइन करेंगे। तो पहले लाइन में है सुबह हुई, तो छोटी उनकी मात्रा कैसे लिखी जाती है? क्या आपको याद है छोटी उनकी मात्रा कैसे लिखी जाती है? छोटी उनकी मात्रा लिखी जाती है इस तरीके से, इसे कहते हैं छोटी उनकी मात्रा। अब हमें इस मात्रा को अंडरलाइन करना है। तो वो वाली मात्रा कहाँ पर है सुबह हुई में? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सुबह में स के साथ में है और हुई में हो के साथ में। ठीक है, आइए दूसरी लाइन देखते हैं। एक सुनहरी किरण आई, अब एक सुनहरी किरण आई इस लाइन में वो छोटी हुक की मात्रा आपको कहाँ दिखाई देती है? जी बिल्कुल सही, स के साथ में सुनहरी शब्द में स के साथ में छोटी हुक की मात्रा है। मुनमुन गुड़िया बाहर लाई, अब इस लाइन में कहाँ कहाँ पर हुक की मात्रा है? मुनमुन में दो छोटी हुक की मात्रा है, ये म के साथ में और ये म के साथ, तो गुड़िया में ग के साथ में हुक की मात्रा है। क्या आप मेरे साथ में अंडरलाइन कर रहे हो? जी आपको भी अंडरलाइन करना है। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। घास पर चटाई बिछाई, इस लाइन में क्या आपको खड़ी हुक की मात्रा दिखाई दे रही है? इस लाइन में कहीं भी हुक की मात्रा नहीं। तभी सुनहरी सुहानी हवा चली, इसमें कहाँ है हुक की मात्रा? सुहानी के साथ स के साथ में हुक की मात्रा है। फिर गुड़िया की गुलाबी चुनरी उड़ गई, इस लाइन में है ग के साथ में, गुलाबी में फिर से ग के साथ में, चुनरी में छ के साथ, इस तरीके से इस लाइन में है तीन बार हुक की मात्रा। अब हम इस तरफ देखें, मुनमुन भागी, कहाँ है हुक की मात्रा मुनमुन में? जैसे कि हमने यहाँ देखा था मुनमुन में दो हुक की मात्रा है, उसी तरह यहाँ पर भी ये म के साथ और इस म के साथ दो की मात्रा। पर चुनरी पकड़ न पाई, चुनरी में कहाँ है हुक की मात्रा? चो के साथ में। फिर चुनरी दाल पर अटक गई, इस लाइन में कहाँ है फिर से चुनरी है, तो यहाँ पे चो के साथ में ऊ की मात्रा है। दाल पर बुलबुल थी, बुलबुल में है फिर दो ऊ की मात्रा, जैसे मुनमुन में दो ऊ की मात्रा है वैसे बुलबुल में भी दो ऊ की मात्रा है। फिर से आता है शब्द बुलबुल चुनरी ओढ़कर शर्माई, जैसे कि हमने देखा बुलबुल में दो ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी दो ऊ की मात्रा है, चुनरी में चो के साथ में ऊ की मात्रा है। तो इस तरीके से हमने इस पोयम को, इस कविता को पढ़ा और ऊ की मात्रा पहचान कर अंडरलाइन की। ठीक है, तो आप सबको याद है ना ऊ की मात्रा कैसी लिखी जाती है और कैसी पढ़ी जाती है? जब हम छोटी ऊ की मात्रा पढ़ते हैं तो हम जल्दी पढ़ते हैं, ऊ खींच कर नहीं पढ़ते। तो ये थी छोटी ऊ की मात्रा। अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा पे कौन सी कविता है, क्या और क्या हम उसमें से बड़ी हुक की मात्रा को पहचान सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अब हमने देखा था छोटी हुक की मात्रा,
अब हम देखने वाले हैं बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा से जो हमें पोयम दी गई है उसका नाम है नटखट झपटू। ठीक है, अब आपको मेरे पीछे दोहराना है इस पोयम को। एक चूहा था झपटू, झपटू बहुत ही नटखट था, दिन भर कुड़ता रहता, कभी जमीन पर कभी खाट पर, उस खाट पर ऊन पड़ी थी, झपटू सीधा ऊन पर आ गिरा, खूब उछल कूद हुई, ऊन का धागा पूरा खुल गया, धागा झपटू पर लिपट गया, झपटू पर ऊन ही ऊन था, झपटू ऊन का धागा ना कुतर पाया, वो चीखा बचाओ बचाओ, चूहा और चूहा माता पिता, चूहा और चूहा कौन था, उसके माता पिता बाहर आए, पिता आवाज सुनकर झपटू की ओर गए, कुट 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 सारी ऊन उतर दी, नटखट झपटू बाहर निकल आया, झपटू ही कर रहा था। ठीक है, ये थी हमारी कविता नटखट झपटू। झपटू कौन था, एक चूहा था। ये कविता एक चूहे पर है और इसमें इस कविता में बहुत सारी बड़ी ऊ की मात्रा है। अब हमें इस पोयम को तो हमने पढ़ लिया, अब हमें बड़ी ऊ की मात्रा को पहचानना है और अंडरलाइन करना है। तो हम एक बार फिर से एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और बड़ी ऊ की मात्रा को अंडरलाइन करेंगे। तो ठीक है, एक चूहा था झपटू। बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लिखी जाती है, ऐसी लिखी जाती है, आपको दिखाई दे रहा है, यह बड़ी ऊ की मात्रा, हमें इस मात्रा को पहचान कर अंडरलाइन करना। तो इस तरीके की बड़ी ऊ की मात्रा हमको कहाँ दिख रही है, चूहा, चूहा जो है उसमें च के साथ में है, तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे। था झपटू, झपटू में है ट के साथ में, फिर है झपटू बहुत ही नटखट था, दिन भर कुड़ता रहता, क के साथ में है बड़ी ऊ की मात्रा, कभी जमीन पर कभी खाट पर, इस लाइन में कहीं भी बड़ी ऊ की मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर आता है उस खाट पर ऊन पड़ी थी, ऊन के साथ में बड़ी ऊ, ये बड़ी ऊ ही, ये बड़ा ऊ ही है, हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये मात्रा नहीं है, ये बड़ा ऊ ही लिखा हुआ है। ऊन पड़ी थी, झपटू सीधा ऊन पर आ गिरा, फिर से झपटू में है ट के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा, खूब उछल कूद हुई, खूब के साथ में है ऊ की मात्रा, कूद के साथ में है बड़ी ऊ की मात्रा, ऊन का धागा पूरा खुला खुल गया, पूरा में है बड़ी ऊ की मात्रा। क्या आप मेरे साथ में अंडरलाइन कर रहे हो, जी हाँ, वेरी गुड। धागा झपटू पर लिपट गया, फिर से झपटू में है बड़ी ऊ की मात्रा, झपटू पर ऊन ही ऊन था, फिर से बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ, झपटू ऊन का धागा ना कुतर पाया, फिर से झपटू में है बड़ी ऊ की मात्रा, चीखा बचाओ बचाओ, चूहा और चूहा माता पिता बाहर आए, चूहिया में है ऊ की मात्रा पर ये बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, और चूहा में है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, पिता आवाज सुनकर झपटू की ओर गए, फिर से झपटू आया, तो झपटू में हमने देखा है सब जगह पे झपटू में ऊ की मात्रा है, ट के साथ में झपटू में ऊ की मात्रा है। ठीक है, कुट 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 कुट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊ की मात्रा है पर ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे इस लेसन में। इस कविता में हम देख रहे हैं बड़ी ऊ की मात्रा, सारी ऊन कुतर दी, नटखट झपटू बाहर निकल गया, फिर से झपटू है तो ऊ की मात्रा, झपटू ही कर रहा था, फिर से बड़ी ऊ की मात्रा। तो बच्चों, हमने इस तरीके से देखा बड़ी ऊ की मात्रा कैसी होती है और कैसी लिखी जाती है, और हमने उसे अंडरलाइन किया। अब मैं तुम्हें इस पेज पे से हिंदी पेज नंबर 32 और हिंदी पेज नंबर 33
से होमवर्क दूंगी, आप उसको कंप्लीट करके मुझे एक क्लियर पिक्चर भेजेंगे। अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी क्लास में, ठीक है? टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।